स्टॉक मार्केट के 417 साल की हिस्ट्री में इन्वेस्टर्स ने अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद किया है तो वो है टेक्निकल एनालिसिस। ये एक ऐसा मेथड है जिससे इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाना सबसे आसान लगता है। इन सब के बाद भी ऐसे बहुत ही कम इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अच्छी नॉलेज है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसकी बेसिक थ्योरी क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये किस तरह काम करता है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप ट्रेडिंग के इस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में सही से जान पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। trueinvesting.in हमारी वेबसाइट है जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। आइए दोस्तों हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। दोस्तों जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो हम किसी कंपनी के शेयर्स को बस प्राइस देखकर बाय करते हैं और शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस के मूवमेंट से हम जल्दी से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। पर शॉर्ट टर्म में किसी भी शेयर की प्राइस बहुत तेजी से चेंज होती है। ऐसे में हमें कैसे आइडिया होगा कि हमें किस प्राइस पर किस तरह से ट्रेडिंग करनी है ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस को डेवलप किया गया था। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस वो तरीका है जिसकी हेल्प से किसी शेयर की प्राइस मूवमेंट की हिस्ट्री को देखते हुए हम उस शेयर के प्राइस की फ्यूचर मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की पूरी थ्योरी को मेनली तीन बेसिक अजम्पशंस पर डेवलप किया गया है। पहला अजम्पशन ये है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि किसी भी टाइम पर एक कंपनी की शेयर प्राइस उस कंपनी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के इफेक्ट को ऑलरेडी कैरी करती है और इसलिए एक कंपनी से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन से अब उस कंपनी के शेयर प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। इस अजम्पशन में माना जाता है कि कंपनी से रिलेटेड सारे फंडामेंटल फैक्टर्स जैसे कंपनी की बिजनेस की क्वालिटी, प्रॉफिट पोटेंशियल, अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स, इन सब के इफेक्ट हर वक्त शेयर प्राइस में शामिल रहते हैं। इसलिए इन फैक्टर्स को अलग से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें इन फैक्टर्स को छोड़कर अपना पूरा ध्यान शेयर की प्राइस पर लगाना चाहिए। दूसरा अजम्पशन ये है कि स्टॉक प्राइजेस मूव इन ट्रेंड्स, मतलब कि हर शेयर की प्राइस ट्रेंड्स में मूव करती है। सिंपल शब्दों में कहें तो हर शेयर की प्राइस एक पैटर्न या ट्रेंड में घटती या बढ़ती रहती है। इस अजम्पशन में ये माना जाता है कि शेयर की प्राइस अभी जिस ट्रेंड में मूव कर रही है उसके आगे भी उसी ट्रेंड में मूव करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ट्रेंड्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में होते हैं। इन ट्रेंड्स को हम अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड में शेयर की प्राइस एक पैटर्न में बढ़ती रहती है, डाउन ट्रेंड में शेयर की प्राइस एक पैटर्न में घटती रहती है और साइडवेज ट्रेंड में शेयर की प्राइस एक फिक्स रेंज में मूव करती है और ना उस रेंज से ऊपर जाती है और ना उससे नीचे। तीसरा अजम्पशन ये है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस में ये माना जाता है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है। इसका मतलब है कि किसी शेयर की प्राइस पास्ट में जिस कंडीशन में जैसे चेंज हुई थी वो आगे भी वैसी कंडीशन आने पर उसी तरह से चेंज होगी। इस अजम्पशन में माना जाता है कि प्राइजेस हमेशा इन्वेस्टर्स के इमोशंस और बिहेवियर से चेंज होते हैं और पास्ट में इन्वेस्टर्स ने एक कंडीशन में जैसा बिहेव किया था आगे भी वही कंडीशन आने पर वैसा ही बिहेव करेंगे। दोस्तों ये वो तीन अजम्पशंस हैं जिस पर टेक्निकल एनालिसिस को डेवलप किया गया है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इन तीनों अजम्पशंस को मानना और समझना होगा। टेक्निकल एनालिसिस का जिक्र सबसे पहले मिलता है जोसेफ डी ला वेगा नाम के स्पेनिश बिजनेसमैन की साल 1688 में पब्लिश बुक कन्फ्यूजन ऑफ कन्फ्यूजन्स में। पर टेक्निकल एनालिसिस की असली शुरुआत की थी जापान के राइस बिजनेसमैन होमा म्यूनिहिसा ने। साल 1755 में पब्लिश उनकी बुक द फाउंटेन ऑफ गोल्ड द थ्री मंकी रिकॉर्ड ऑफ मनी से टेक्निकल एनालिसिस की फॉर्मल शुरुआत हुई। होमा म्यूनिहिसा ने बताया कि किस तरह राइस की फ्यूचर की प्राइस वेदर और राइस के वॉल्यूम से अफेक्ट होती है और कैसे इसके पैटर्न को सही से समझकर राइस की फ्यूचर ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। दोस्तों आज हम जिस मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरी को जानते हैं और यूज करते हैं वो बेस्ड है डॉ थ्योरी पर। ये थ्योरी वॉल स्ट्रीट जर्नल और डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के फाउंडर चार्ल्स डॉ की लिखी 255 वॉल स्ट्रीट जर्नल एडिटोरियल आर्टिकल्स पर बेस्ड है। डॉ थ्योरी को चार्ल्स डॉ की डेथ के बाद विलियम पीटर हैमिल्टन, रॉबर्ट रिया और ई जॉर्ज शेफर ने ऑर्गेनाइज करके पब्लिश किया और आज इस थ्योरी को टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस को कैसे यूज करते हैं। दोस्तों हमने जाना कि टेक्निकल एनालिसिस से हम शेयर प्राइस के मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर सवाल यह है कि आखिर ये कैसे होता है, हमें कैसे पता चल सकता है कि शेयर की प्राइस अब कैसे मूव करने वाली है। तो दोस्तों इसका जवाब है ऐसा बहुत सारे हिस्टोरिकल डेटा की हेल्प से होता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम अलग अलग तरह के हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स को देखते हैं और फ्यूचर प्राइस के मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। डेटा पॉइंट्स में बेसिकली हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, कैंडल चार्ट्स और बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स का यूज होता है।
ये सारे डेटा पॉइंट्स ये बताते हैं कि पास्ट में किसी डेटा में चेंज से शेयर की प्राइस में कैसा चेंज आया था। अगर हमें आज डेटा पॉइंट्स में पास्ट जैसा चेंज होता हुआ दिखता है तो हम ये बोल सकते हैं कि शेयर की प्राइस में भी पास्ट जैसा चेंज हो सकता है। दोस्तों ये ध्यान रहे कि स्टॉक मार्केट में या कहीं भी एक स्ट्रेटजी हमेशा सही नहीं होती। टेक्निकल एनालिसिस में भी हमें हमेशा सही प्राइस मूवमेंट नहीं मिलती। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल एनालिसिस की एबिलिटी के साथ साथ हम इसके लिमिटेशन को भी समझें। ये हमेशा याद रखें कि टेक्निकल एनालिसिस हमें बस स्टॉक प्राइस के मोस्ट प्रोबेबल मूवमेंट को बताता है, एक्चुअल मूवमेंट को नहीं। इसका मतलब है कि टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से हमें बस ये पता चलता है कि किसी शेयर की प्राइस की किस डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। हमें टेक्निकल एनालिसिस से शेयर की फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का एग्जैक्ट पता नहीं चलता। दोस्तों ऐसे कितने ट्रेडर्स हैं जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस के इस लिमिटेशन को नहीं समझा और लॉस उठाया। पर ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस के इस लिमिटेशन को समझकर करोड़ों रुपए बनाए हैं। दोस्तों ये हमारे ऊपर है कि हम टेक्निकल एनालिसिस को कैसे यूज करें। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हमारे सक्सेस और फेलियर को यही बात तय करती है कि हम टेक्निकल एनालिसिस को समझदारी से एज ए गाइड यूज करते हैं या इसे पैसे बनाने का शॉर्टकट समझते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। हमने आज जाना कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसकी बेसिक थ्योरी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सके। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देंगे अपने Q&A वीडियो में। हमारे आगे आने वाले वीडियोस मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।